राधे राधे दोस्तों, मैं प्रीति चौरसिया आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। दिव्यांगता अभिशाप नहीं वरदान है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है संडे और ये संडे का सुबह है, तो हमारा सुबह ऐसे हो रहा है कि बच्चे जग चुके हैं और दोनों मोबाइल में गेम कर रहे हैं और दोनों बहुत ही हैप्पी है। और आज का इस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि संडे का दिन मेरे लिए कितना काम वाला दिन रहता है और कितना सारा मुश्किल रहता है मुझे मेरे काम करने में। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी थोड़ी थोड़ी जो वीडियो है वो काम वाली वो दिखाऊँ आप लोग को, और पॉसिबल होगा हो पाया तो मैं पूरी दिखाऊँगी आप लोग को कि कितनी दिक्कतें से मुझे काम करनी होती है। और ये मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद सबसे पहले तो किचन में ही आना है क्योंकि दो दो बच्चे हैं तो उनको तो भूख, उनको तो खाना खिलाना ही होगा। तो मैं किचन आई हूँ और बीच बीच में शगुन ना करके पूछ रही है कि आप क्या बना रहे हैं, और पीछे से बाबू भी आता है क्योंकि वो तो मेरा पीछा छोड़ता नहीं है। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ, तेल तेल आया है, तेल ख़त्म हो गया था तो उस तेल को मैं बॉक्स में डालूँगी डब्बे में उसका रैपर से फाड़ करके। मगर ये भी काम बहुत मुश्किल है क्योंकि बाबू ना एक सेकेंड के लिए मुझे छोड़ता नहीं है, और मुझे डर इसी बात का रहता है कि कहीं वो मुझे धक्का ना दे दे, खींच ना ले और सारा चीज़ नीचे गिर जाएगा। लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं, कर तो रहे हैं किसी तरह। और ध्यान चारों तरफ रखना होता है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा ना तो वो तो उधर दूध रखा है, आप पीछे देख रहे दोनों पतीले में दूध है, तो बाबू कभी पैर से गिरा देता है, कभी कभी गर्म रहता है तो उसका हाथ भी जलने का डर रहता है ना, बहुत सारा टेंशन रहता है। मतलब किचन आना बहुत ही प्रॉब्लम वाला काम है मेरा, दो एक बाथरूम में टाइम देना और एक किचन में, दोनों मुश्किल वाला काम है क्योंकि दोनों जगह बाबू के लिए खतरा है। तो और लोग कुछ लोग कहते हैं कि आप जो रोज़ खाना बनाती हैं ना उसका भी वीडियो डाला करिए, तो मैं उनके लिए, मतलब जो आप लोग ऐसा सोचते हैं, मैं उनके लिए बता देना चाहती हूँ कि मैं रोज़ खाना ना कुछ वैसा खास नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम तो है लेकिन बच्चे पकड़ने के लिए कोई नहीं है ना, तो मैं खाना नहीं बना पाती हूँ। बाबू पीछे पीछे आता है तो गैस वैस छूते रहता है, मेरा सारा सामान नीचे है, मैं खड़े खड़े खाना वाना नहीं बना पाती हूँ, तो इसके लिए मैं खाना वाला वीडियो नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि खाना बनाने में तो इतना दिक्कत होता है। और उसको मैं आप लोग को दिखाऊंगी कैसे इतना गंदा हो जाता है किचन काम वाम करने में, और फिर मुझे साफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए मैं खाना नहीं बनाती हूँ। मेरे यहाँ रोज़ सिर्फ खिचड़ी बनता है और एक रोटी बनता है, ये कंपलसरी है। और उसके बाद अगर ज़्यादा कुछ खाने का मन करे तो थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह बना लेते हैं और 2 दिन में चावल बना लेते हैं बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनता है। हमको तो खुद कितना अच्छा अच्छा खाने का मन करता है लेकिन अभी सब कुछ छोड़ छाड़ करके बस यही सब करने पे लगे हैं ताकि कुछ दिन बच्चे बड़े हो जाए फिर अपना खाना तो खा ही लेंगे। इधर मैंने ना कुछ आटा है सो पिसवाया था, गेहूँ पिसवाया था, तो प्रॉब्लम ये हुआ ना कि वो गेहूँ सूखा नहीं था मौसम ख़राब की वजह से, तो जो वो पीसा ना तो वो मोटा मोटा हो गया, और इतना ज़्यादा मोटा हो गया है कि मैं उसके लिए बाबू का रोटी बनाती हूँ तो बाबू को उल्टी हो जाता है क्योंकि वो पूरा दूध में मिलता नहीं है। तो मैंने कुछ सोचा है कि इसको थोड़ा सा मिक्सर में डाल करके और मैं इसे पीस करके देखती हूँ, अगर ये पिसा जाए और उसके बाद ये शायद पतला हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, वरना फिर मुझे दूसरा वाला आटा मंगाना होगा दुकान से, दुकान का पैकेट। तो इसलिए मैं, चलिए सारा आटा है ना गेहूँ जो ऑलरेडी पीसा हुआ है उसे मैं डाल रही हूँ मिक्सर में, और डाल करके इसे मैं ऊपर में मिक्सर जो है जहाँ मैं उसको लगा करके और पीसती हूँ, तो उसके बाद मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि ये होता कैसा है। तो मैंने डाल लिया है और अब थोड़ी थोड़ी तो डाल रही हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा है ना और गिरने का डर लग रहा है, और मैं चाहती हूँ ज़्यादा रायता ना फैले ताकि बाद में मुझे साफ़ ना करना पड़े ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा भी किचन आने के बाद ना टाइल्स वाइल्स इतना गंदा हो जाता है ना कि मतलब अच्छा नहीं लगता है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे कितना गंदा लग रहा है, तो मैंने इस पर डाल लिया है और चलिए अब मैं इसे मिक्स करती हूँ, मिक्स चलाती हूँ। तो मैंने ये चला दिया है और मैं सोच रही हूँ कि इसे थोड़ी ज़्यादा देर तक चलने देती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा से ये पिस जाए। चलिए अब देखते हैं कि पिसाया या नहीं। तो देख करके तो लग रहा है कि थोड़ा सा काम हुआ है हमारा, लेकिन उतना खास हुआ है कि नहीं ये जानने के लिए से छानना पड़ेगा। तो मैंने डाल लिया छानने के लिए,
और अब देखते हैं कितना ज़्यादा चलाता है, उसी हिसाब से पता चलेगा कि हमारा काम हो रहा है या नहीं। बहुत मुश्किल होता है ये सारी चीज़ें, मतलब सारी परेशानी एक एक करके प्रोसेस करना, इसलिए ए बेटा टोस्ट ले जाओ तो बाबू गिरा देगा। और देखिए हो रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इससे पहले जब कर रहे थे ना तो इतना सारा चोकर निकल रहा था, सारा आटा मतलब नहीं निकल रहा था, उसका सब चोकर ही निकल जा रहा था, और ये भी उतना काम नहीं किया जितना सोच रहे थे, और इसका इतना सारा चोकर निकला है। अभी मैं थी किचन में, सगुन बोली कि मम्मा हम बिछावन ठीक कर दिए। कहाँ ठीक किए हो? ये ऐसे ठीक होता है? ये तो ढेरी लगा दी है, हम ऐसे ही करते हैं। और देखो बिछावन उधर सिकुड़ा हुआ है, बेडशीट इधर तो ऐसे रहता है, ऐसे हम तो ऐसे नहीं रहते, पूरा देखो देखो कैसे मुड़ा मुड़ा है। चलो ठीक करो बिछावन, अभी मार के तेरा बम सुझा देंगे हम। आए अभी हम आजा, हिम्मत दिखेगी मेरा, हिम्मत देखेगी। आ रहे रुको हिम्मत, अभी किसु क्या है बिट्टू? दो ना, तो बिछावन तो हम कल ही चेंज कर लिए थे, चादर वगैरह और धोलने के लिए डाले हैं, तो अभी जा रहे धोएंगे और नहाएंगे बच्चों लोग को। मचिनो 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 दे दो इसको, दे दो। तुम एक बात बताओ, तुम बड़ी दीदी हो ना इसकी, दे दो। मेरा इतना छोटा प्यारा भाई होता ना तो उसको कभी नहीं धुलाते। दो दो दे दो, तुम दो बाबू को। लो बेटा लो 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 लो, जा खेलो खेलो करो जा। तो मेरे हाथ में अभी भी आटा ही लगा हुआ है। अब जा बोल रही है, मतलब कि हाथी। अरे हम हाथी है रे, हां बलून जैसा दिख रहा है, लेकिन बलून जैसा भी बोलती है। बलून तो मैं यहां पे कपड़ा निकाल रही हूं बच्चों का नहाने के लिए, अपने लिए। लेकिन आप तो नया कपड़ा पहन रहे हैं, ये नया कपड़ा है। कितना साल हो गया इसका? 5 साल नहीं 10 साल 5 साल 5 साल पगली। तुमको आता है? आता है पता है? 10 और 10 कितना होता है बताना जरा। 10 और 10 11। हाँ हाँ 10 और 10 11। और बोलो इधर आके बोलो बोलो, 15 और 15 कितना होता है? 60। वाह वाह बहुत अच्छा। और बोलो 13 और 13? 14। वाह वाह सगुन वाह, क्लैप करिए आप लोग। 13 और 13 14 हो जाता है। और 4 और 4 कितना होता है? 4 और 4 होता है 4 और 4 20। कौन गिनती गिनती है? जोड़ना जरा हाथ में, 4 और 4 20 होता है। 1 2 3 4 5 5 6 7 8। अभी 20 बोल रही थी, 20 नहीं। तो ये मैं आ गई हूँ किचन में, और क्योंकि किचन में आने के बाद इन लोग के लिए गर्म पानी चढ़ा रहे हैं, क्योंकि गर्म पानी के बिना ही लोग नहीं नहाएगा, मौसम बहुत ठंडा है। तो मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेती हूँ, दिक्कत मुझे तो होता ही है, लेकिन दिक्कत है तो क्या करना है, बच्चों है तो बच्चों के लिए थोड़ा सा तो दिक्कत करना ही पड़ेगा। और मैं गर्म पानी करने के लिए उधर चढ़ा दी हूँ, और अब मैं इधर आई हूँ बाथरूम, तब तक मैं अपना जो काम है वो काम कर लूँ। और बहुत सारा बाथरूम वाथरूम बहुत दिनों से गंदा हुआ पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें तो मुझे साफ करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों से तो ये होगा नहीं। मैं फाइनली बाथरूम आ गई हूँ, और बाथरूम आने के बाद आज मेरा हालत होगा खराब। पूछे क्यों? क्योंकि 2 दिन से मैंने करा नहीं है कुछ काम,
और ये बच्चा फिर हमेशा की तरह मेरे पीछे पीछे, तू बाबू जाओ जाओ, इसके वजह से हम इतना गंदा बंदा रहना पड़ता है बिना खाए पिए। तो चलिए, बात नहीं है तो बात ये है कि आज मैं बताई थी ना परसों की, बाथरूम पूरा गंदा देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा ही ज्यादा जांच, अभी मैं ना इसे एकदम पूरा चकाचक दिख रहा होगा, छोटा-छोटा होता है ना, दिख रहा छोड़ ना ठीक। और ये कल बाबू टॉयलेट कर रहा था बहुत सारा, तो ये सावन मोटा वाला ले रहा, अब इसे मैं धो तो नहीं सकूंगी पूरी अच्छे से क्योंकि बैठे बैठे धोना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करूंगी कि इसे अच्छे से क्लीन कर लूं। और तुम धो दो, तुम तो धो ही देगी, तुम धो देगा नमस्ते करो, किसु नमस्ते करो, नमस्ते। तो और ये सब सब रगड़ूंगी पूरा, रगड़ के टाइल्स वाइल्स पूरा चमका दूंगी, चम 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 चम, आहा। फिर शगुन को बोलेंगे यहीं पे सो जा शगुन, क्यों गद्दा बिछाना पड़ेगा, हाँ तो गद्दा बिछा देंगे यहाँ पे सो जाना बाथरूम में, ना ना यहाँ पे मकड़ी रहता है, नहीं करेंगे ऐसे, मकड़ी खा जाना भूख लगेगा तो। तो चलिए अब फाइनली हम ना आप लोग को धो धो के दिखाएंगे, और यहाँ भी देखिए कितना सारा सारा कुछ ऐसा ही रहेगा, अगर हम नहीं साफ वाफ करेंगे तो और कुछ नहीं ऐसा ही पड़ा रहेगा। और मैं बाथरूम में मतलब कि रोज नहीं आ पाती हूँ जैसा कि आप लोग को पता है, सिर्फ कपड़े चेंज होता है मेरा और अंदर घुसना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा को बाहर से लॉक अंदर से लॉक करके बाहर छोड़ देंगे अकेले तो ये भी सही नहीं है। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं नहा चुकी हूँ और देखिए पूरा बाथरूम रगड़ रगड़ के सारा साफ कर लिए, और वो जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना येलो येलो वो सब नहीं छूटा, मैं तो उसको बहुत अच्छे से रगड़ी हूँ लेकिन वो सारा दाग ही है पहले से स्टेन है तो वो नहीं छूटेगा। बाकी मैंने पूरा बाथरूम क्लीन करा है, जाली वाली सब हटा दिया है, क्योंकि मैं जाला वाला हटाने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, पानी से ही मारी ऊपर ऊपर क्योंकि पहुँच नहीं सकूँगी। और ये धोते धोते ना मैं बहुत थक गई क्योंकि बहुत ही हैवी हो गया था, और बैठे वहां तक हम पहुंच पाएंगे क्या सर, वो वहां बोल रही है जाला, अब बताइए हम पहुंच पाएंगे वहां। और इतना सारा कपड़ा था जो ये लेदरा है बहुत हैवी हो गया था तो इसको धोए हैं तो बिल्कुल थक गए हैं इसको धोने में, लेकिन अभी इसको इसी में रख दिए ताकि इसका जो पानी है ना ऑटोमेटिक नीचे चू जाए, और चूने के बाद फिर ये हल्का हो जाए तो शायद हम और शगुन इसको ले जा करके बालकनी में फैला पाएंगे, है ना शगुन। और इधर ये पानी है, हम पानी बाथरूम से निकाल दिए भर करके, और अब इसमें जा रहे गर्म पानी मिलाएंगे, उसके बाद दोनों बच्चों को नहलाएंगे। तो इसमें पानी जो गर्म पानी था ना वो इसमें मिला ली हूँ, और अब इसे मैं बालकनी की तरफ लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती तो इसे शगुन को भी लेके जाने बोल सकती थी लेकिन पानी मुझसे गिर जाता तो बेकार हो जाता, थोड़ा काम बढ़ जाता, इसीलिए दिक्कत से ही सही लेकिन मैं ही लेकर के जा रही हूँ ताकि मैं बच्चे को उधर नहला लूँ और बिल्कुल गर्म पानी से नहला लूँ, बहुत काम हो जाता है यार। तो मैं बालकनी में इन लोगों को नहाऊँगी क्योंकि मैं पहले नहा चुकी थी बाथरूम साफ़ करने की वजह से तो गीली हो गई थी, और तो गर्म पानी मेरा गीला वाला में निकाल पाना लेके जाना पॉसिबल नहीं था, तो पहले मैं ही नहा ली उसके बाद बच्चों को दोनों बच्चों को इधर नहलाऊँगी। चलो शगुन कह रही है कि पहले बाबू को नहाइए, तो इन लोगों को गेम कराएंगे, एक गेम करेंगे उसके बाद नहाएगी। चलो गेम ये है कि दोनों फिंगर में से एक फिंगर है तुम्हारे लिए और एक फिंगर है टीशू के लिए, ठीक है, वाला फिंगर मेरे लिए है, वो कैसे बता देंगे वो तो चीटिंग हो जाएगा फिर, तो हम जानते हैं मेरे मन में है वो बात, तो इधर रहो ना, तो कि जो वाला फिंगर तुम पकड़ोगी, अगर तुम पकड़ लोगी अपना वाला तो तुम नहाओगी पहले, और अगर सुनो हम क्यों बताएं, पहले गेम का रूल सुनो, इधर रहो, तो जो पहले पकड़ेगा वही पहले नहाएगा, ठीक है, और किसु का जो वाला फिंगर है वो चलो तुम्हारा ही पहले आ गया टाइम, आ जाओ। अच्छा है तो मैंने दोनों, देखो दूध गिरा गया बेटा,
तो मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया है, ये भी नहा लिया बाबू और वो भी नहा लिया, और अभी नहा लिया? ये नहा लिया, तुम नहा ली अब ठीक है? हाँ हम क्या बोले सगुन को, सगुना ऐसे बोले ना कि ये नहा लिया है, ये सगुन ने नहा लिया है ऐसे। अच्छा ऐसे बोल दिए थे, तो क्या बोलना चाहिए था हमको? सगुन भी नहा लिया ऐसे बोलना चाहिए। अच्छा ठीक है मैडम जी, और कुछ ना। तो दोनों को नहा दिए, उसको दिए हैं खाने के लिए टोस्ट, क्योंकि खाना बनाए नहीं कुछ हम लोग खाए जो अभी नहीं करेगा, और रात का जो खाना बचा हुआ था थोड़ा सा चावल और सब्जी था आलू और सीम का, तो हम लोग सुबह सुबह वही खाए थे और वही सब खा के भी काम वाम कर रहे थे। तो फाइनली अभी काम कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा कहने का मतलब है किचन अभी गंदा है और अभी कुछ बनाए नहीं है, तो और पोछा भी नहीं लगा है, पोछा भी गंदा है घर, सिर्फ झाड़ू वाड़ू लगा है, बेड वेड ठीक किया, ये सब काम करेंगे थोड़ी देर रेस्ट के बाद। ये तो तुम ही फैलाई ना अभी, बाबू ऐसे करा था, करवाया कौन? बाबू अपने से लिया, हम खा रहे थे। अच्छा तो फिर वो सब काम करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे क्योंकि बहुत थक गए यार काम करते करते कंटिन्यू, है ना सगुन? उसके बाद थोड़ा सा उठेंगे तब फिर बाबू को खाना खिलाएंगे। हमको क्या खाएगी तुम? लेस खाना ना आता है क्या रे बुद्धू? हमको लगा प्याज से बनता है क्या, अभी फिर बैठो तुम खाओ देख मार देंगे। उसको रखो साइड में, अभी पहले खाना खाओ अपना, लेज वेज नहीं, चलो पहले खाओ।